14 फरवरी एक ऐसी तारीख जिसका इंतजार दुनिया भर के करोड़ों लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दिन आता है वैलेंटाइन डे। लेकिन क्या आपको पता है कि वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा कहां से आई? यह इतना लोकप्रिय क्यों बन गया? क्या यह हमेशा प्यार और अच्छी भावनाओं का प्रतीक था, या फिर इसके पीछे है कोई और रहस्य? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वैलेंटाइन डे से जुड़े, प्रेम दिवस से जुड़े हर एक बात शुरू से अंत तक। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और बिना देर किए चलते हैं आज के वीडियो पे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वैलेंटाइन डे का इतिहास और चलते हैं आज से लगभग 1700 साल पहले तीसरी शताब्दी में। अगर इतिहासकारों की माने तो 1260 ईस्वी में संकलित की गई ऑरिया ऑफ जैकोबस दी वॉरिजिन नामक पुस्तक में सेंट वैलेंटाइन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रोम में तीसरी शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस गोथिकस द्वितीय का शासन था। उसके अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम हो जाती है, प्रेम या फिर शादी करने से सैनिक अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और युद्ध हार जाते हैं। और अपने इस सोच के कारण उसने आज्ञा जारी की कि उसका कोई भी सैनिक और अधिकारी विवाह नहीं करेगा। सेंट वैलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया। उन्हीं के आह्वान पर अनेक सैनिकों ने और अधिकारियों ने विवाह किए। लेकिन जब क्लॉडियस को इस बात का पता चला तो उसने 14 फरवरी सन 269 को संत वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया। कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन ने अपने मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया था और अपनी मृत्यु से पहले सेंट वैलेंटाइन ने जैकोबस को एक पत्र भी लिखा था और जिसके अंत में उन्होंने लिखा था तुम्हारा वैलेंटाइन फ्रॉम योर वैलेंटाइन और अपने हस्ताक्षर भी किए थे। यह दिन था 14 फरवरी, जिसके बाद इस संत के नाम से इस दिन को मनाया जाने लगा और वैलेंटाइन डे के बहाने पूरे विश्व में निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाया जाता है। एक और मत यह है कि वर्ष 496 में पहला वैलेंटाइन डे मनाया गया था। कईयों का मानना है कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत रोमन फेस्टिवल से हुई थी। 5वीं शताब्दी के अंत के आसपास की बात है। पोप गैलेसियस ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे घोषित किया था, तब से यह मनाया जा रहा है। रोमवासियों के पास लुपरकेलिया नामक एक त्योहार था और इसे फरवरी के मध्य में मनाया जाता था। इस मौके पर सामूहिक विवाह होती थी जो आज भी कायम है। चलिए ये तो थी इसके इतिहास की बात। अब जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्या वास्तव में 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैलेंटाइन डे की शुरुआत 7 फरवरी से ही हो जाती है, जिसके तहत 7 फरवरी को रोज डे, 8 फरवरी को प्रपोज डे, 9 फरवरी को चॉकलेट डे, 10 फरवरी को टेडी डे, 11 फरवरी को प्रॉमिस डे, 12 फरवरी को हग डे, 13 फरवरी को किस डे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और एक बेहद मजेदार बात कि वैलेंटाइन डे के बाद आने वाले एक सप्ताह तक कुछ अजीबोगरीब दिन मनाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 15 फरवरी को स्लैप डे, 16 फरवरी को किक डे, 17 फरवरी को परफ्यूम डे, 18 फरवरी को फ्लर्टिंग डे, 19 फरवरी को कन्फेशन डे, 20 फरवरी को मिसिंग डे और 21 फरवरी को ब्रेकअप डे। है ना अजीबोगरीब बात कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 21 फरवरी को ब्रेकअप डे। चलिए अब जानते हैं वैलेंटाइन डे से जुड़े, प्रेम दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स। 14 फरवरी को मनाए जाने वाला यह दिन विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग विश्वास के साथ मनाया जाता है। पश्चिमी देशों में तो यह दिन बहुत ही रौनक के साथ मनाया जाता है, मगर पूर्वी देशों में भी इस दिन को मनाने का अपना अपना अंदाज होता है। जहाँ चीन में यह दिन नाइट्स ऑफ सेवेंस के रूप में मनाया जाता है, जापान व कोरिया में इस पर्व को व्हाइट डे के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इन देशों में इस दिन से पूरे एक महीने तक लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को तोहफे और फूल देकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। भारत में वैलेंटाइन डे का प्रारंभ 1992 में हुआ, लेकिन यहाँ लोगों ने इस दिन को प्रेम कम नफरत ज्यादा दी। इस दिन केवल अमेरिका में ही 18 करोड़ से ज्यादा गुलाब के फूल बेचे जाते हैं। जापान में वैलेंटाइन डे सिर्फ पुरुष मनाते हैं। दक्षिण कोरिया में हर महीने की 14 तारीख को प्यार के दिन के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। मलेशिया में केवल मुस्लिम वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। हर साल 14 फरवरी को 1 अरब कार्ड्स भेजे जाते हैं पूरी दुनिया में। वैलेंटाइन डे 10 खरब रुपए का उद्योग है केवल अमेरिका में। ईरान सरकार ने भी 2011 में वैलेंटाइन डे पर बैन लगा दिया। यहाँ पर लाल गुलाब, हार्ट शेप और इससे जुड़े सभी चीज़ों पर बैन लगा दिया गया था। केवल अमेरिका वाले लगभग
16 अरब रुपए खर्च कर देते हैं केवल वैलेंटाइन डे के कार्ड्स पर। और एक अनुमान के मुताबिक क्रिसमस डे के बाद सबसे ज्यादा कार्ड्स की बिक्री वैलेंटाइन डे के दिन होता है, जहां 19वीं सदी में अमेरिका ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर अवकाश घोषित कर दिया था। 9 मिलियन लोग वैलेंटाइन डे पर अपने पालतू जानवर के लिए भी उपहार खरीदते हैं। मध्य युग में एक अंधविश्वास व्याप्त था कि यदि आप सिंगल हैं और वैलेंटाइन डे पर किसी विपरीत लिंग वाले व्यक्ति को सबसे पहले देखते हैं तो उसी से शादी कर सकते हैं। पेनिसिलिन की शुरुआत 14 फरवरी 1929 को हुई थी। सेंट वैलेंटाइन के दफन होने के बाद जेलर की बेटी जूलिया ने उनकी कब्र के पास एक बादाम के पेड़ के साथ गुलाब का फूल भी लगाया था। बादाम के पेड़ को आज भी स्थायी फ्रेंडशिप और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। विक्टोरियन समय में वैलेंटाइन डे के कार्ड पर हस्ताक्षर करने को दुर्भाग्य माना जाता था। यदि आप अकेले हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आप इस दिन सिंगल अवेयरनेस डे यानी सैड मना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी कपल को परेशान करें। इंग्लैंड के किंग हेनरी सप्तम ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन डे की आधिकारिक छुट्टी घोषित की थी। 19वीं सदी के अंत में रिचर्ड कैडबरी ने पहली वैलेंटाइन डे कैंडी बॉक्स का आविष्कार किया। औसतन इस दिन महिलाओं की तुलना में पुरुष वैलेंटाइन डे के उपहारों पर दुगनी राशि खर्च करते हैं। एक व्यक्ति औसतन $130 अर्थात लगभग 9000 खर्च करता है। वैलेंटाइन डे पर हर साल इतनी कैंडी बनाई जाती है कि एरिजोना से रोम, इटली और वापस एरिजोना तक आया जा सके। इस दिन इन दिल के आकार वाली कैंडी का उत्पादन लगभग 8 बिलियन है। फिनलैंड के लोग वैलेंटाइन डे को मित्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन वहां मित्रों को याद किया जाता है। इस 14 फरवरी के दिन लगभग 2.2 करोड़ लोग एक दूसरे को शादी के लिए प्रस्ताव देते हैं। हर साल वैलेंटाइन डे पर इटली का वेरोना शहर 1000 पत्र प्राप्त करता है, जिन्हें जूलियट के पत्ते पर भेजा जाता है। यह वह जगह है जहाँ रोमियो और जूलियट रहते थे। और एक कमाल की बात, 1876 में वैलेंटाइन डे पर ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी टेलीफोन पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। अमेरिका में 15% लोग वैलेंटाइन डे पर खुद को ही फूल भेंट करते हैं। संत गुरु वैलेंटाइन को फ्लेमिनिया में 14 फरवरी 269 में दफनाया गया था। एक परफेक्ट गुलाब, वन परफेक्ट रोज, लाल गुलाब को प्यार का फूल माना जाता है, क्योंकि गुलाब शब्द के अक्षरों को उलट पलट करने से ERROS बनता है, जो प्यार के देवता है। हार्ट शेप्ड बॉक्स रिचर्ड कैडबरी ने 1822 में विक्टोरियन युग के दौरान दुनिया के पहले दिल के आकार का वैलेंटाइन डे चॉकलेट बॉक्स का निर्माण किया था। आंकड़ों के मुताबिक हर साल वैलेंटाइन डे के दिन 35 मिलियन से अधिक दिल के आकार का बॉक्स बेचे जाते हैं। वैलेंटाइन डे वास्तव में सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। कई लोग इसके वास्तविक अर्थ को न समझकर इसे गलत अर्थों में लेते हैं और इसका खंडन और विरोध भी किया जाता है। लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी दिवस हो, चाहे भारतीय या विदेशी, अगर उसके पीछे भावनाएं सच्ची और अच्छी हैं, तो उनका कदर हम सभी को करना चाहिए। अगर सही मायनों में देखें तो वैलेंटाइन डे एक दूसरे के प्रति, आपके चाहने वालों के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। परंतु आज के परिदृश्य में इसका अर्थ बिल्कुल विपरीत हो चुका है। कई लोग तो इसे बिल्कुल नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, और यही नहीं, कई लोग जो इसे मनाना भी चाहते हैं या मनाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीके से इसको प्रस्तुत करते हैं। उद्दंडता, अभद्रता, अश्लीलता और अन्य बहुत सारी कुरीतियां इससे जोड़ दी जाती हैं, और कई बार तो किसी के इच्छा के विरुद्ध भी कई कार्य किए जाते हैं, जो इस दिवस के अर्थ को ही उलट देता है। तो सभी से बस इतना आग्रह है कि पर्व हमारे देश का हो या कहीं और का, कोई भी दिवस हो, वे सभी अपने में एक अर्थ रखते हैं, जिसे सबसे पहली बात है हमें समझना चाहिए। झूठे आडंबर, दिखावे से बचकर हमें सादगी पूर्वक किसी भी दिवस को या पर्व या त्योहार को मनाना चाहिए, जिससे इसका पूरा अर्थ और इसकी गरिमा बनी रहे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सच में अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।